हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो नगेट्स। आजकल बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, ये फ्रोज़न फूड पसंद करते हैं आजकल के बच्चे बहुत। इसके लिए लिए हैं मैंने ये उबले हुए 3 आलू, ये ब्रेड क्रम, ये ताज़ा ब्रेड को लेके मिक्सी में मैंने बना लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है। इसके लिए चाहिए ये 1 कटोरी मैंने पनीर की ले ली है, ये सिंपल पनीर है, सब्जी में बनी सब्जी बनाते हैं जिससे हम। ये चॉप अनियन है, ये 1 चॉप मिर्च है, ये 1 टीस्पून नमक है, ये स्वादानुसार, ये चाट मसाला है 1/2 टीस्पून, ये जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैदा है, मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, मैंने ये मैदा लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलूओं को हम मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद इसमें ये अनियन डाल दिया, ये चॉप्ड हरी मिर्च, ये नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, ये काली मिर्च का पाउडर। ये पनीर डाल दिया हमने, ये सबको मिलाएंगे। इसको हम हाथ से मैश कर लेते हैं, ये अच्छे से हो जाता है। ये ब्रेड क्रम हमने डालने हैं आलूओं के हिसाब से, ये आलू ज़्यादा गीले होंगे तो ज़्यादा डालेंगे, अगर कम गीले होंगे तो कम डालेंगे। अब ये मिक्सचर तैयार है हमारा, ये देखिए, ये ऐसे होना चाहिए, बहुत पतला नहीं, ये देखिए। अब इसके हाथ में थोड़ा तेल लगा के इसके नगेट्स बना लेंगे। ये बॉल ले लिया है हमने एक, इसमें हमने मैदा डाल लिया है, मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का घोल बनेगा।
अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। एकदम अपनी पसंद से छोटे छोटे नगेट्स बना लेंगे इस तरह से। इसको हम इसमें डिप करेंगे। इसमें इसको डिप करने के बाद यहाँ से निकाल के हम ये ब्रेड क्रम में डालेंगे इसको, और ऐसे अच्छे से इसको कोट करके ये अलग से एक प्लेट में रख देंगे इसको। धीरे धीरे ऐसे सारे नगेट्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये सारे नगेट्स हमने बना लिए हैं और मैदा के साथ कोट करके, ब्रेड क्रम कोट करके इनको तैयार कर लिया है। अब इनको 2-3 घंटे तक फ्रिज में रखना है। ये नगेट्स हमने 2 घंटे से फ्रिज में रखे हैं और ये अच्छी तरह सेट हो गए हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। ये तेल गर्म हो गया हमारा, एक एक करके अब इसमें कर लेंगे। इसको तेज हीट पे ही बनाना है। देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका। ये अच्छे से फ्राई हो गया, इनको निकाल लेते हैं। हम सारे नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पोटैटो नगेट्स बनके तैयार हैं, इनका मजा लीजिए। और इसको टमाटो सॉस, हरी चटनी, इमली की चटनी, जैसे आप पसंद करें वैसे खा सकते हैं। खाइए, बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसे लगे आपको। और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।